नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी क्लासेस। आज आपका भाई कुणाल शर्मा लेके आया एक मैथ का नया सवाल जो कि एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है। अक्सर आता है सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है तो 5a-3b अनुपात 4a-2b किसके बराबर होगा। सवाल बहुत इजी है और मैं आपको मैथ के इतने अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा जिससे आपको मैथ ऐसे लगेगा जैसे हम हिंदी को याद कर रहे हैं, हिंदी को सॉल्व कर रहे हैं। मैथ को भी इस तरीके से सॉल्व करोगे। सवाल को आगे देखते हैं। सवाल में क्या है, ए बी ए अनुपात बी बराबर 5:7 तो 5a-3b अनुपात 4a-2b किसके बराबर होगी, यानी इनका बराबर निकालना है। मान लेते हैं, माना x बराबर 5x और अगेन x बराबर 7x। इस वाली वैल्यू को हम x मान लेते हैं, जो वैल्यू यहां पे दी है उसको हम x मान के आगे सॉल्व करते हैं। तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला जो है इसको हम करते हैं, ए वालों को एक साथ ले लेते हैं, बी वालों को एक साथ ले लेते हैं। तो पहले करते हैं 5a/4a। अब क्या लगाया था, 5 और 7 एक्स जो बनाया था हमने, गुणा पहले क्या आया था, पहले एक्स देखना है हमको। तो 5a 4a यहां पे आ गया और इसका 5x/5x-। अब क्या बी वाला ले लेते हैं, 3b/7x और ये वाला 2b/7x। इस तरीके से सवाल आ गया निकल के। यहां से आपको समझ आएगा कि आखिर सवाल चाहता क्या है। सिर्फ ये एक तरीका है, ये एक फॉर्मूला समझो इसको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5x का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हो गया आपका जो a है इस वाले का, 5×5 25 25x। 5 से 4 का करेंगे 5×20x। ठीक है, अभी के लिए a को आप भूल जाओ क्योंकि a और b का अनुपात ये है, तो मैंने a हटा दिया यहां से। -7×21 21x और नीचे 14x। सिर्फ ये वैल्यू निकल के आई है अभी। इस वैल्यू में से हम अगर देखें 25 में से 21 गए तो कितना बचा, 4x, और 20 में से 14 गए 6x। ठीक है, देखो x से x कट गया, अभी भी ये कट जाएगा 2:3, 2/3 आया है। तो जो अब इसका आंसर आएगा वो आएगा 2:3। ओके दोस्तों, तो सवाल क्या था, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 5:7 है तो 5a-3b अनुपात 4a-2b का 2:3 होगा। सवाल बहुत इजी था, समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जैसे मैं समझाता हूं और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, जितना हो सकता हो मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको ऑन द टेबल दिखा रहा हूं, बोर्ड से दिखा रहा हूं, वो आपको नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।